मैंने क्या खरीदा है। जूबियस प्लेट हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज फ्राइडे है एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम है। इट्स ब्यूटीफुल सी या मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है अभी से, यू नो, जो टाइम स्टार्ट होता है। एंड मैंने जस्ट अभी खाना बनाया है। वेट, मैं अभी आप सबको टाइम दिखाती हूँ। सी द टाइम इज 2:45। तो ये मैंने एक भाजी बनाया है वो पम्पकिन सीड्स के साथ। एंड फिर मैं जल्दबाजी में थी तो मैंने अंडा करी बनाया। इसे अभी भी बॉयल हो रहा है, जस्ट मैंने अभी गैस ऑफ किया है। तो अनदर 5 मिनट्स बस, फिर मैं शॉमिक को लंच दे दूंगी। तो खाना बनाने में इतना लेट हो गया क्योंकि आज थोड़ा हॉचपॉच था, यू नो, सुबह से सिद्ध का ओरिएंटेशन था। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यू नो, कि राई वेंट टू प्री स्कूल, बट व्हेन शी वाज 3 इयर्स, सी, एक 20 मंथ्स एंड 36 मंथ्स में बहुत अंतर होता है ना। एंड सिद्ध उससे पहले कहीं पे भी अकेला तो नहीं गया ना, ही यूज्ड टू गो विद सना, उसके साथ होती थी, नहीं तो हम लोग होते थे। तो हम लोगों को बोला ऐसा 10 मिनट तक जस्ट उसको अकेले रखेंगे, ये बोला कि तुम आप लोग जब कॉफ़ी वॉफी पी के आओ। तो हम लोग का घर तो इतना पास है तो घर में आ गई, फिर मैं चली गई। तो देवर सिंह इनिशियली पहले वो रोया एंड देन वो ठीक हो गया था, बट वो लोग भी बोल रहे थे 2 वीक्स लगेगा, वो देखेंगे, यू नो। एंड अभी क्या है, या अभी मैं खाना खाऊंगी। तो उसी चक्कर में ना खाना बनाना ही नहीं हुआ। सो ये रहा शॉमिक का प्लेट एंड राय को भी दे देते। आज राय का स्कूल बंद था बिकॉज इट वाज गुड फ्राइडे। एंड आज से एक्चुअली राय का जो स्प्रिंग ब्रेक है वो स्टार्ट हो गया है। एंड ये मेरे लिए, मुझे एक्चुअली अंडा करी इतना पसंद नहीं है, बट हाँ काफ़ी जल्दी हो जाता है अंडा करी। सो अभी टाइम हुआ है, सी 5 बजने वाला है। एंड मैं और राय हम लोग, चलो मामा, अल्टा ब्यूटी जा रहे हैं बिकॉज राय ने, वन सेकंड। तो हम लोगों ने लास्ट राय का, यू नो, राय ने ट्रेडिंग लास्ट एंड फर्स्ट टाइम जब कराया था अल्टा ब्यूटी में कराया था, उसके बाद और हुआ ही नहीं, इतना बिजी रहती है। तो इस वीक तो राय का ब्रेक है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है बिकॉज अल्टा ब्यूटी में ना यू हैव टू टेक ए अपॉइंटमेंट। एंड मेरा इज 5:20, मेरा नहीं हो तो ऑल्सो चलेगा, राय का इज 5:40। तो चलिए तो ये रहा अल्टा का स्टोर। एंड वन फनी थिंग हैपेंड, तो हम लोग पहुंच गए एंड जब मैं गई जस्ट सी कोई भी नहीं है वो लोग का, यू नो, जो आईब्रोज का डिपार्टमेंट में। फिर मुझे लगा कि चलो कुछ कॉस्मेटिक्स खरीद लेते। ये आई शेडो पैलेट ना, पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था आई शेडो पैलेट खरीदना, अब मैं नहीं खरीदती हूँ। तो फुल फ्लॉप हो गए, एक्चुअली हम लोग का कैंसिल हो गया था। तो मैं जो बोल रही थी, हम लोग पूरा फ्लॉप हो गए। वो लोग ने मुझे भेजा भी था, मैसेज भी किया था कि कैंसिल हो गया, मैंने अभी देखा नहीं क्योंकि इतना सारा मैसेज आता रहता है ना, मुझे लगा रिमाइंडर है। तो अभी खरीद के निकल चुके थे, फिर देखा मैं वो सीरम लगाती हूँ ना, वो भी वो लोग के पास है तो खरीद ही लेती हूँ। तो वो ही बेफालतू इतना दूर आए। सो ड्रंक एलिफेंट का ये ऑयल जो है ना, फेशियल ऑयल, मुझे ये काफ़ी पसंद है, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे लगा जब आए हैं चलो ले ही लेते, पर वी वर नॉट एबल टू टेक क्योंकि इतना लंबा लाइन हो गया था ना। मैंने देखा था कॉस्मेटिक्स इज समथिंग ना जो सब लोग ना ऑनलाइन से ना जाके खरीदना ज़्यादा पसंद करते बिकॉज थोड़ा टेस्ट भी तो कर सकते हैं ना। देन देयर वॉज ए बेकरी था, फ्रेंच बेकरी था, तो हम लोगों को लगा चलो शाम के लिए कुछ मंच करने के लिए ले लेते हैं। एंड चलिए आप सबको दिखाते हूँ कि अल्टा से मैंने क्या क्या खरीदा है। एक्चुअली मैं जैसे बोल रही थी ना, और भी कुछ खरीदने वाले थे, पर जब हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम अंदर गए ना, फिर हम लोगों ने लिया, फिर व्हेन वी वेंट इतना बड़ा लाइन हो गया था। मैं टकली लग रही हूँ क्या, पता नहीं, ये साइड का हेयर भी मुझे लगता चला गया है। तो जो भी हो, फिर हम लोग रख के आ गए बिकॉज राय का मैंने नेक्स्ट सैटरडे अपॉइंटमेंट लिया। मैं मेरा ना करूँ मेरा ठीक है, यू नो, मेरे अभी आईब्रोज इतने मोटे भी नहीं है,
पर राय का यू नो इट्स क्वाइट ठीक, तो राय वहाँ से जाके कराए क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कराते हैं। एंड हर वेट एंड सी, बहुत दिनों से ना मेरा शौक था कि मैं सिद के लिए ना क्रॉक से खरीदूं, तो जस्ट से कितना क्यूट है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको, तो पता है कि मेरा किचन का लाइट ही सबसे अच्छा है। तो पहले ये राय ने खरीदा है NYX का, दिस इज फैट ऑयल। व्हाट यू डू सो गुड राय बोल रहे, व्हाट यू लिप ऑयल, व्हाई जस्ट लाइक ए लिप ग्लॉस? ओके राय बोलिए लिप ग्लॉस है, राय का रिव्यू है सो गुड। राय क्या करते हैं इसमें ना एक ड्रॉप ऑफ लिपस्टिक, एक दो ड्रॉप एड ओके पर्पल हुडा लिपस्टिक एक दो, तब जब लगाती है नेचुरली नो नो मेकअप, मेकअप नो मेकअप लुक आता है, तो फॉर दैट शी गेट्स दिस। राय का यही सबसे फेवरेट है। देन ये क्या, ये भी NYX, ये सब राय खरीदते, वे इज दिस वन ओके NYX, राय को बहुत पसंद है, सो शी गॉट दिस मैट आई लाइनर, इट्स रियली गुड बोल दिया है ये, आई थिंक सो दिस इज द आई लाइनर राइट, या ये आई लाइनर है, देखो कैसा है। ओके ब्रश बोल रही है बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा ही है भाई, मैं कैसा लग रहा है, एक में लाइनर है जो भी ब्रश अच्छा है इसका। ओके तो सब राय का ही है, ये भी राय का है या ओ यू गॉट ए वेरी नाइस, एक्चुअली बोलते हैं ना कि आपको इस सिम्स डार्क कलर का लिप लाइनर खरीदना चाहिए, तो कैसा या सी इस सिम्स डार्क कलर का लिप लाइनर दे के फिर अगर लाइट कलर का लिपस्टिक लगाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी मैंने आज तक ना मेरे लिए कभी भी ब्रॉन्जर नहीं खरीदा, मैं हर वक्त फ्री का ब्रॉन्जर लगाती थी, पर मेरे पास ना पाउडर ही था, तो मुझे ना लिक्विड खरीदने का बहुत शौक था। तो वेट दिस इज फ्रॉम व्हाट कंपनी, कुछ एक है कैटवन भी कुछ है क्या, पता नहीं व्हाट इज दिस कंपनी यार, किसी को पता है तो कुछ KVD या देखती हूँ कैसा है, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा बिकॉज ऊपर में येलो लाइट है ना, या जो भी आई थिंक सो, हाउ इज इट, या अच्छा ही है राय बोल रही है, तो आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो मुझे कमेंट पे लिखना। तो बस ये हो गया वेट, या फिर मैंने जूबियास वो अपना लेके भी चली गई, अब फिर मैंने जूबियास प्लेस, ये इसका आई शेडो आई थिंक इट्स क्वाइट फेमस राइट, एंड इतना इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, मुझे लगा था इसका आई शेडो विल भी बहुत एक्सपेंसिव, अभी आई शेडो एंड ऑल वो सब मेरा इंटरेस्ट ही चला गया। तो अभी ना मुझे ऐसा नॉर्मल लिपस्टिक यू नो जो पहले हम लोग लगाते थे बिफोर दिस लिक्विड लिपस्टिक एंड ऑल, वो मुझे लगाना पसंद है, तो मैंने ये खरीदा है जूबियास प्लेस से, या मुझे या इट्स नॉट बोलिए ये कलर बहुत अच्छा लगा सी, दिस कलर इज सो गुड, वो रेड एंड पिंक मिला के जो होता है, एंड सी ये कलर मैं जैसे बोल रही थी ना सी बहुत प्यारा है, एंड दिस इज सो रेड एंड दिस इज $15, तो हुडा एंड ऑल से तो मुझे लगता है ये जूबियास प्लेस काफ़ी सस्ता है। एंड वी वेर सो फुल कि हम लोगों ने रात में डिनर ही नहीं किया, एंड यहाँ पे मेरे रेक्सू बाबा को ये मूवी पसंद नहीं आया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काफी अच्छा मौसम है, सो इट इज सैटरडे एंड नाउ द टाइम इज अराउंड 8:15, तो मैं सुबह सुबह जग गई थी बिकॉज मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। आप देखेंगे वीकेंड को ना बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, पर आज पहले से कल रात से मैंने सोच लिया था कि सुबह उठ के मैं कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, अच्छा ब्रेकफास्ट मतलब कल रात को मैंने बहुत सारा आटा गूंदा था, सो आई थॉट आई विल मेक पराठा एंड सम आलू की सब्जी। सो पैन पे मैंने फर्स्ट ऑयल ले लिया है सरसों का ऑयल, एंड फर्स्ट इसमें मैं कलौंजी ऐड करूँगी, ये एक बहुत ही सिंपल आलू की सब्जी है, एंड देन हम लोग आलू को ऐड कर देंगे, ये ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो पहले आपको आलू को ना थोड़ा हल्का भून लेना है, एंड उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी एंड थोड़ा जिंजर ऐड करेंगे, तो मैं ग्रेट करना भूल गई थी, तो मुझे लगा चलो यहाँ पर ही ग्रेट कर लेते हैं, तो मैंने थोड़ा जिंजर ऐड कर दिया है इसमें, एंड अभी हम लोग इसको थोड़ा और भूनेंगे, फिर मैं थोड़ा कवर करके रख दूंगी। द
तक ना मैंने आलू में सॉल्ट ऐड नहीं किया है। सॉल्ट ऐड करते हैं ना तो तुरंत आलू पानी छोड़ देता है। सो लेट इट कुक लाइक दिस फॉर अनदर 10 मिनट्स। तब तक मुझे लगा कि चलो मैं बर्तन निकाल देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नाइस हैबिट जो मैंने फॉर्म किया है कि मैं फ्री रहती हूँ तो मैं बर्तन निकाल लेती हूँ। आलू इज़ ऑलमोस्ट 50% कुक, तो अभी मैं इसमें थोड़ा टमाटर ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट एंड अभी ना थोड़ा पानी ऐड करेंगे एंड थोड़ा हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया। डोंट ऐड एनी अदर मसाला इन इट, बस थोड़ा पानी ऐड करके कवर करके रख दीजिए जब तक ना आलू फुल तरीके से बॉयल हो जाए। तो सी आलू ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं या तो अभी मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड करूंगी एंड बस अनदर 5 मिनट्स इट विल बी डन। तो चलिए तब तक पराठा हो गया या पराठे होगा आप लोग बताना कमेंट पे, तो पराठे बना लेते हैं। सिद्ध को भी पराठे खाने पसंद है पर हाँ कितना ही और खाता है। तो ये रहा हम लोगों का शनिवार का ब्रेकफास्ट। ये आलू की सब्ज़ी ना अगर किसी ने ऐसा नहीं खाया है तो ऐसा बना के देखिएगा, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। कल फ्रॉम दैट फ्रेंड्स वो बेकरी से ना हम लोगों ने जो ख़रीदा था वो थोड़ा थोड़ा खा के ना, और फिर रात को डिनर ही हम लोगों ने नहीं किया बिकॉज लंच भी काफ़ी लेट किया था। तो नाउ द टाइम इज़ 11:10 एंड पहले हम लोग आज सोच रहे थे वो हिंदू मंदिर है ना, आप लोग बहुत जन बोलते रहते पायल कब जाओगे, पता नहीं यार आज हम लोग सोच रहे थे जाएंगे पर वो ना हम लोगों के घर से 2 आवर्स दूर है, यानी जाने आने दोनों मिला के ना 2 आवर्स बोलते हैं, पर एक्चुअली सैटरडे में ना थोड़ा क्राउडेड रहता है, सो 2.5 सो अराउंड 5 आवर्स चला जाएगा। तो फिर मैं शौमिक को बोल रही हूँ छोड़ो यार, यू नो इतना लंबा जर्नी करके जाएंगे, इससे अच्छा है तुम मुझे एडिसन ही लेके चले जाओ, ऐसा भी घर में कुछ सामान नहीं है वो लाना है। एंड मुझे लगता है आई एम ऑलवेज हैप्पी जब मैं एडिसन जाती हूँ, स्पेशली विद द इंडियन स्टोर एंड ऑल वी गेट सो मेनी स्टफ। सो मेनी ऑफ यू जब मैं लिपस्टिक देती थी मेनी ऑफ यू यूज टू टेल मी कि पायल लिप लाइनर लगाओ, तो सी आज मैंने लिप लाइनर लगाया। हाउ इज लुकिंग मैन, या अच्छा लग रहा है राइट, आप लोग बताना। तो आज बहुत ही प्यारा मौसम है, 50s में है, यानी ऐसा 10-11 ऐसा कुछ होगा। जब एडिसन आ ही रहे थे तो शौमिक वाज लाइक पायल तुम तनिष्क पे जाओ, तो मैंने ना तनिष्क पे फोन किया था कि अपॉइंटमेंट लेना है क्या, देन दे टोल्ड मी कि नहीं यू नो आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। तो मैंने बोला था कि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो एक जन ने मुझे उनका नाम दिया है, सो ही वाज लाइक व्हेन यू कम मेरा नाम बताना, डेफिनेटली वी विल शो यू। तो चलिए देखते हैं, एंड पार्किंग ही नहीं है तो शौमिक ने यहाँ पे ऐसे ही कहा। होप्सो कि आज ज़्यादा क्राउडेड ना हो। तो अंदर में यू नो मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा अनेजी लगता है ना, एंड फिर से मैं मंगलसूत्र देख रही थी एंड मैंने बहुत सारा इयर रिंग्स देखा बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो आई लव इयर रिंग्स, तो जो खरीदना था खरीद लिया। देन वी केम टू अवर फेवरेट रेस्टोरेंट, क्योंकि ना पता नहीं क्या है मेरे दोनों बच्चों को ना साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, सो दिस इज़ ये कुछ प्लैंटेन भाजी था क्योंकि मिर्ची भाजी नहीं था, ये ओके टाइप था। मैं हर वक्त देखती हूँ ना वो लोग का बैटर बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, एंड देन राय ने लिया मसाला डोसे, अभी डोसे मैंने गलत बोला है आई नो, एंड सिद्ध खा रहा है इडली। एंड एट द एंड राय ने लिया केसरी बात, एंड हम लोग जब भी ये रेस्टोरेंट में आते वन थिंग वी टेक एट द एंड दैट इज फिल्टर कॉफी, एंड एट द एंड पान जैसे मैं खाती हूँ, तो ये लोग टेस्टी बनाते हैं मीठा पान। अभी ग्रोसरी शॉपिंग फिर घर, सो फाइनली ग्रोसरी भी सब खरीद लिया एंड अभी घर चले जाएंगे। हो गया पान भी खा लिया। क्या भी खा लिया? पान भी खा लिया। आज अच्छा ही दिन था मेरा। घर लौट के आ गए एंड काफी टाइम हो गया है, तो
तो अभी ऊपर में यू नो ऑल द ग्रोसरीज एंड ऑल वो सब काम तो मैं कहाँ पे देख रही हूँ, मैं फोन के कैमरे से करती हूँ ना, मुझे कंफ्यूजन लगता है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि तनीश से मैंने क्या खरीदा है। दिस इज माय फर्स्ट परचेज फ्रॉम तनीश एंड मैं आप सबको दिखाती हूँ मैंने क्या खरीदा है। एंड बिकॉज ऑफ यू ओनली मेनी ऑफ यू टोल्ड मी, यू नो पहले मुझे लग रहा था यहाँ पे तनीश इज एक्सपेंसिव, देन मेनी ऑफ यू टोल्ड मी कि नहीं पायल इट सीम्स इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ द जीएसटी। यहाँ पे वो नहीं है, सी व्हेन आई परचेज फ्रॉम अमेरिकन ज्वेलरी शॉप से ना मैं कुछ भी खरीदती हूँ तब क्या होता है एक सेल टैक्स होता है। आज जितना अमाउंट था उतना ही था जो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड क्या डिजाइन है यार, एक्चुअली यू नो मुझे ना पहले जब मैं इंडिया में थी तब ना मुझे इतना ज्वेलरी खरीदने का कभी भी कोई शौक नहीं था। मुझे ज्वेलरी खरीदने का शौक ना एक्चुअली शॉमिक जब हम लोग यहाँ आए ना आफ्टर सम इयर्स ना शॉमिक सेड कि पायल तुम ना ऐसा ज्वेलरी खरीदो बिकॉज मुझे बैग्स एंड बैग्स भी सनग्लासेस ये बहुत पसंद है ना। तो जो भी हो चलिए दिखाते हैं। वाह, फिर मैंने मंगलसूत्र खरीदा। तो ये चेन भी काफी लंबा है, अगर मैं लास्ट में भी पहनू ना तो भी लूज होता है, इतना तक आता है, काफी ज्यादा लंबा है। कहाँ पे दिखाते हैं यार, फोन पे आई गेट सी। तो मैंने यही खरीदा, देन उसने इसका मैचिंग एक इयर रिंग भी दिखाया। मोस्ट ऑफ यू नो आई लव इयर रिंग क्योंकि मैं गले में तो कुछ पहनती ही नहीं हूँ। तो शॉमिक मुझे बोल रहे थे दो ही ले लो, मैंने बोला नहीं नहीं, तो देन आई थॉट आई टेक द इयर रिंग। फिर मुझे लगा नहीं यार लेट मी टेक मंगलसूत्र, इयर रिंग तो इतने सारे मेरे पास है ही। ठीक है, एंड हाँ डेफिनेटली आई वेंट टू इंडियन ग्रोसरी स्टोर एंड मुझे पता है स्पेशली जो लोग यहाँ पे रहते हैं आप सबको इंडियन ग्रोसरी देखना कितना पसंद है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं ना आज सिर्फ वो लाई जो हम लोग के यहाँ पे नहीं मिलता, इतना ज्यादा एंड ऑल मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। चलिए लेट मी शेयर विथ ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैंने थोड़ा ही भिंडी खरीदा है, तो ये रहा भिंडी। फिर दिस इज मुगलाई पराठा, ये कंपनी का ना बहुत टेस्टी होते। देन बिस्किट, ये मैरीगोल्ड सीजन मेरे लिए, मुझे 50-50 नहीं मिला सो आई गॉट क्रैक जैक। ये पता नहीं राई को कुछ खाना था ये बिस्किट, कोकोमो शिवा सिंह ये बिस्किट उसके जैसा ही गाय सॉरी ये राई के लिए, मैं बंगाली में बोलने वाली। ये भी मैरीगोल्ड, ये शॉमिक के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट। फिर दिस इज पाठी शाप्टा, ये एक पीठा होता है, मैं अभी ये खोल के देखूंगी। ये सब आप घर में भी बना सकते हैं पर यू नो कौन घर में बनाएगा जब कोई भी नहीं खाता है वंस इन अ वाइल। मुझे थोड़ा खाने का शौक है, आई वांट टू सी कैसा है ये, मैं खोलूंगी। ये रहा मैदा, फिर इसको ना ये ना जब मैं बॉयल एक्सित को मैं चिकन नहीं तो ऐसा बॉयल वेजेस करके देती हूँ ना तो उसमें मैं ये भी ऐड करूंगी। ये ना बहुत अच्छा होता है, इसको हम लोग स्क्वाश बोलते हैं या क्यों चेक बोलते थे यार, आप लोग बताना ना व्हाट इज द नेम। इस ये ना आप आलू की सब्जी जो मैंने आज बनाया था ना वैसा भी आप ये दे के बना सकते हैं। चलिए दिस इज वेरी गुड बोलते हैं हेल्थ के लिए, लाइक बहुत ज्यादा फाइबर होता है। तो दिस वन आई गॉट दो, मैं सिद्ध के लिए लाई हूँ। एंड ये है घी, मैं वहां से घी खरीद के ला दी हूँ क्योंकि ये घी ना बहुत टेस्टी होता है, तो ऐसा मैं दो घी खरीद के लाई। फिर ये है मीठा दो, ये सिर्फ छोटा छोटा दो मैं लाई हूँ। फिर ये आई गॉट सम थम्स अप, फिर ये तो ये मुझे बहुत ही पसंद है ब्रिटानिया का, तो आई गॉट ए बिग वन। फिर ये सूखी हुई मिर्च, ये मैं घुघनी बनाती हूँ ना उसके लिए येल्लो पीस। ये फिर शॉमिक का, ये थोड़े कैशू नट, ये आलू बुखारा, ओ नहीं नहीं ये इसको आम शक्तो बोलते हैं। ये मैं ये चटनी बनाती हूँ ना कोकोनट टमाटर का, तो उसमें ऐड करने से काफ़ी टेस्टी लगता है, ऐसा भी खाने से टेस्टी लगता है। फिर दिस वन आई गॉट सम टाइम पास, ये राय को खाना बहुत पसंद है सो शी गॉट थ्री। फिर मैं राजमा लाई हूँ, और क्या है या दैट्स इट या, एंड दिस इज आलू बुखारा, इसको ना आप ऐसे चिकन में मटन में भी दे सकते हैं, ये बिरयानी में देते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। और इफ़ यू मेक सम मुगलाई चिकन का रेसिपीज ना क्योंकि ईद भी आ रहा है ना यू कैन ऐड आलू बुखारा, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बस यही था मेरा ग्रॉसरी एंड हाँ सरसों का तेल, बहुत जन आप लोग पूछ रहे थे तो आई आप सबको पता है आई एम लाइक ए वफादार ऑफ दिस जीवा ऑर्गेनिक्स, तो मैं यही मस्टर्ड ऑयल लेती। तो चलिए अभी ये व्लॉग को भी एंड कर देते हैं, अभी राय क्या खा रहे, व्हाट इज दिस कोकोमो
एंड कुछ हेलो पैंडा है आई थिंक सो आई बोल इट्स द सेम और आई थिंक इट्स एक्चुअली वर्स व्हिच वन इज गुड हेलो पैंडा हेलो पैंडा इज नॉट दैट गुड नो इट्स द बेस्ट ओके इट्स द बेस्ट हेलो पैंडा बेस्ट है ये बेस्ट नहीं है जो भी हो खा लो देन एंड चलिए नाउ द टाइम इज 8:45 मैं और खाना नहीं खाऊंगी शॉमी के लिए वो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट में बनाया था वो है तो आई थिंक सो उससे हो जाएगा राय भी बोल रही है नहीं खाएगी एंड माई रैक्शु बाबा इज शो टायर्ड ना बाबू रैक्स इज शो टायर्ड रैक्स कभी सोने का टाइम हो गया है आज बाहर से टाटा बाय बाय करते हैं अभी मैं सिद्ध को खाना खिला दूंगी एंड मैं उम्मीद करती हूँ सिद्ध जल्दी सो जाएगा स्लीपी तो चलिए बाहर से टाटा बाय बाय करते हैं जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं मेनी ऑफ यू नो इस टाइम में हर वक्त एक ही चीज़ बोलती हूँ आई लव दिस क्रिकेट का साउंड होता है ना ये मुझे इतना पसंद आता है ना पहले मैं ना अभी से ना खिड़की थोड़ा ओपन करके सोती थी बिकॉज आई टू लव दिस साउंड अभी और बिकॉज ऑफ सी यू नो ह्यूमिडिफायर एंड ऑल चलता है तो खिड़की ओपन नहीं करते तो आई विल ट्राई टू मीट यू ऑल टुमारो विद अ न्यू व्लॉग एंड आप लोग सब मस्ती कीजिए स्टार्ट योर वीक डेज खुशी से स्टार्ट कीजिए एंड चलिए बाय बाय